स्पेसिफिकली टोक्यो ब्लेड प्ले के ऊपर कुछ कमेंट करने का ख्याल होने पर भी ये थोड़ा कठिन है। एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस स्टेज प्ले की कहानी से बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट लगा और प्रोबेबली पूरे प्ले में ऐसा ही रहेगा। प्ले में फाइनली हम अकाने को देखते हैं और प्रिंसेस साया के कैरेक्टर में वो बहुत ज़्यादा कूल दिखती है। मुझे इंतज़ार था काना और अकाने के बैटल का, और यकीन करो ये बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करता। ऑल्दो उनका बैटल सीक्वेंस इस एपिसोड में कंप्लीट नहीं होता, बैटल से पहले बैक स्टोरी में दिखाया जाता है कि काना और अकाने आज जिस तरह के एक्टिंग स्टाइल को यूज़ करते हैं वो उन्हें किस तरह से हासिल हुआ। हमें पता है कि अकाने ने अपनी एक्टिंग इसीलिए शुरू की थी क्योंकि वो काना के ओवरवेलमिंग प्रेजेंस वाली एक्टिंग से काफ़ी इम्प्रेस हुई थी। काना बचपन में इस तरह की एक्टिंग करती थी, मगर टीनेजर काना की एक्टिंग दूसरे एक्टर्स को कॉम्प्लीमेंट करती है। अकाने अपने रोल मॉडल से मिलने को बहुत उतावली थी, मगर काना और अकाने की पहली मुलाकात हर तरीके से एक डिजास्टर साबित होती है। अकाने को एक नई सीख मिलती है जिसे कहते हैं नेपोटिज्म। काना अपनी ज़िंदगी की उस स्टेज पर होती है जहां पर वो अपनी एक्टिंग को लेकर काफ़ी सेल्फ कॉन्शियस थी। काना को लगता था कि उसकी ओवरवेलमिंग पर्सनैलिटी की वजह से लोग उसे पसंद नहीं करेंगे और शायद उसे एक्टिंग करने ही ना मिले। इतने बड़े चेंज के बीच में जब अकाने उसका सामना करती है तो उसे बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसने काना को जिस तरह इमेजिन किया होता है वो उससे काफ़ी अलग निकलती है। ये अजीब सा इंसिडेंट अकाने को मनोविज्ञान की ओर आकर्षित करता है। वो कई सारी किताबें पढ़ने लगती है और असलियत में काना क्यों इतनी अलग होती है समझने की कोशिश करती है। ये समझना उतना आसान नहीं है कि अकाने काना को समझ पाती है या नहीं, मगर ये बात तो पक्की है कि मनोविज्ञान की किताबों में खो जाने की वजह से अकाने ने अपने मेथड एक्टिंग स्टाइल को डेवलप किया होता है। तो एक तरीके से काना और अकाने की पहली मुलाकात आखिरकार अकाने के लिए लाभदायक ही होती है। स्टेज प्ले के दौरान काना को रियलाइज़ होता है कि अकाने क्यों उससे इतना चिढ़ रही थी। अकाने उस पुराने काना के तलाश में होती है जो सूरज की तरह चमकती थी। अकाने अपने ज़बरदस्त एक्टिंग से काना को ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वो काना से एक बेहतरीन परफॉर्मेंस की उम्मीद रख रही है। काना पूरी तरह से केपेबल होती है एक माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस देने के लिए, मगर उसके अंदर का डर ख़त्म नहीं हुआ होता। काना काफ़ी बदल चुकी होती है, मगर वो अभी भी डर रही होती है कि अगर वो सबसे अलग सबसे आगे रहने की कोशिश करेगी तो कहीं उसे सबसे अलग ना होना पड़े। इसीलिए काना अपने स्टेज प्रेजेंस को थोड़ा दबा लेती है ताकि ऑडियंस का फोकस अकाने के कैरेक्टर पर रहे। अकाने एक सेंट्रल कैरेक्टर होती है और उसका किरदार ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। स्टेज प्ले के लिए ये बिल्कुल सही डिसीजन होता है, मगर अकाने इससे पूरी तरह डिसअपॉइंटेड लगती है। एपिसोड का इम्पोर्टेंट हिस्सा यहाँ पे ख़त्म होता है। अकाने की तरह मैं भी थोड़ा डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि काना का सपोर्टर होने की वजह से मैं उसे लाइमलाइट में देखना चाहता था, क्योंकि जब काना पर सबकी नज़र रहती है उसी समय वो सबसे ज़्यादा चमकती है। बी कोमाची में भी काना को आगे रखने का यही कारण होता है। काना साइड कैरेक्टर का किरदार निभाने के लिए नहीं बनी होती, असल में कहानी काना के इर्द गिर्द घूमती है। मेरी बातें थोड़ी चीज़ी लग सकती है, मगर ये सच्चाई है, और इसको सबके सामने लाने के लिए टोक्यो ब्लेड के अगले एक्ट में अक्वा भी अकाने का साथ देने वाला है। अब अक्वा बीच में आएगा तो वो प्रोबेबली किसी ना किसी तरह से काना के पोटेंशियल को सबके सामने लाने में सक्सेसफुल तो हो ही जाएगा, मगर काना के पोटेंशियल को बाहर लाने के चक्कर में अक्वा को तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उसकी भी कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।